द टाइम्स न्यूज़, सच का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार, डार्क टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी, यूपी का जनपद महाराजगंज। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों पर संज्ञान में लेते हुए सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया ने विधायक निधि से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घुघुली में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने हेतु 51 लाख रुपये दिए थे। आज ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो जाने के बाद विधायक जयमंगल कन्नौजिया ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर वेद मंत्रोच्चारण के साथ ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कर लोकार्पण किया। विधायक के बटन दबाते ही ऑक्सीजन प्लांट चालू हो गया, जिससे क्षेत्र के लोगों में काफ़ी हर्ष व्याप्त हो गया। लोगों ने सदर विधायक जिंदाबाद के नारे से पूरे वातावरण को खुशनुमा बना दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अब क्षेत्र के लोगों की ऑक्सीजन की कमी के अकारण मृत्यु नहीं होगी। विधायक ने कहा कि ऑक्सीजन मानव के जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है, इसके बगैर कोई जीवित नहीं रह सकता। वरिष्ठ नेता सीताराम पांडे ने कहा कि सीएससी में ऑक्सीजन प्लांट का होना क्षेत्रवासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। भाजपा मंडल अध्यक्ष रणधीर सिंह ने कहा कि आज उन्हें यह कहने में हर्ष हो रहा है कि यह ऑक्सीजन मरीजों को जीवन प्रदान करेगा। कोरोना काल में इसी ऑक्सीजन के अभाव में कितने लोग काल के गाल में समा गए थे। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित विक्रम सिंह ने कहा कि विधायक ने इससे नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ है। उन्होंने कहा कि यह ऑक्सीजन प्लांट लोगों के लिए वरदान साबित होगा। ऑक्सीजन के लिए लोगों को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। इस अवसर पर मंडल उपाध्यक्ष चतुर्भुजा सिंह, क्षेत्रीय मंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा अब्दुल कलाम, राधेश्याम गुप्ता, मंडल महामंत्री हेमंत गुप्ता, मनोज जायसवाल, निहाल सिंह, डॉक्टर के एस मिश्रा, अजय कुमार श्रीवास्तव, पूर्व सभासद गुड्डू सिंह, राकेश जायसवाल, राकेश अग्रहरी, सभासद शंभु कन्नौजिया के अलावा तमाम नगरवासी व स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे। आइए देखते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट। डार्क टाइम्स न्यूज़, सच का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।